हेलो, यह वीडियो लोकसभा तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन एक साथ होने चाहिए या नहीं होने चाहिए उसी पर आधारित है, क्योंकि जो इस वक्त केंद्र की जो मौजूदा सरकार है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, वो ये चाह रही है कि समस्त राष्ट्र में, देश में लोकसभा राज्य की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होने चाहिए, और विपक्ष इसके खिलाफ है। उसका जो व्यू है वो अलग है, तो ये अक्सर न्यूज में रहती है बात है और न्यूज में रहती है और ये न्यूज में रहने का एक कारण ये है कि मौजूदा सरकार ने भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया है, जो एक साथ चुनावों का होने की जो संभावनाएं हैं, व्यवहारिकता है कि व्यवहारिक रूप से ये ठीक है या नहीं है, इसके औचित्य को लेकर एक कमेटी उनकी अध्यक्षता में गठित की है। जैसे मैंने कहा, सिमल्टेनियस इलेक्शन, साथ साथ चुनाव, न्यूज में भी रही है ये। द गवर्नमेंट हैज सेट अप ए कमेटी अंडर फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी टू एग्जामिन द फिजिबिलिटी ऑफ सिमल्टेनियस इलेक्शन और वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव। यानी कि सरकार ने भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक कमेटी सेटअप की है, जो इस बात का परीक्षण करेगी कि एक साथ सिमल्टेनियस इलेक्शन, एक साथ चुनाव देश में हो सकते हैं या नहीं हो सकते, इसकी संभावनाओं का एम क्या है। टू सिंक्रोनाइज, सिंक्रोनाइज का मतलब एक साथ घटित होना, कोई चीज होना, एक समय पर होना। द इलेक्शंस टू द लोकसभा, स्टेट असेंबलीज, म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायत सच दैट वोटर्स इन ए पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी वोट ऑन द सेम डे। इस बात की, इसका उद्देश्य क्या है कि लोकसभा राज्य की विधानसभाओं, नगर पालिका, पंचायत आदि के इलेक्शन एक ही दिन हो और एक पर्टिकुलर, एक विशेष निर्वाचन क्षेत्र में वो एक ही समय पर हो, इस बात की, इस कमेटी का ये उद्देश्य है इसका एग्जामिन करना। अच्छा, अब देखते हैं क्या है अगले पेज पर। सिमल्टेनियस इलेक्शन वर द नॉर्म अंटिल 1967। ये ऐसा नहीं कि पहली बार ये बात हुई है, पहले एक नॉर्म थी, पहले ये भारत में एक साथ ही इलेक्शन होते थे 1967 तक। फॉलोइंग द डिसोल्यूशन का मतलब विघटन के बाद, ऑफ डिसोल्यूशन भंग होना, ऑफ सम लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन 1968 एंड 1969, 1968 और 1969 में कुछ विधानसभाओं का जो डिसोल्यूशन हुआ, जो भंग हुई, विघटन हुआ, एंड दैट ऑफ द लोकसभा इन 1970 और लोकसभा का 1970 में जो हुआ, उसके पश्चात इलेक्शन टू द स्टेट असेंबलीज एंड पार्लियामेंट हैव बीन हेल्ड सेपरेटली। तब उसके बाद अलग अलग होने लगे राज्य की विधानसभाओं और संसद के, यानी कि 1967 तक एक साथ चुनाव होते थे राज्य की विधानसभाओं के और संसद के। लेटर बाद में द सिमल्टेनियस इलेक्शन आइडिया वाज प्रपोज बाय द इलेक्शन कमीशन इन 1983, 1983 में भारत के जो निर्वाचन आयोग है उसने एक साथ सिमल्टेनियस इलेक्शन का जो विचार था, एक साथ चुनाव का जो विचार था, उसका प्रस्ताव रखा, जैसे मैंने बताया 1983 में। इट वॉज ऑल्सो रिकमेंडेड बाय द दिनेश गोस्वामी कमेटी। ये बड़ी फेमस रही है इलेक्शन कमीशन रिफॉर्म्स पर, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर, चुनावी सुधारों पर ये दिनेश गोस्वामी बड़ी फेमस रही है। उसने भी इस बात की सिफारिश करी थी कि भारत में एक साथ चुनाव होने चाहिए। दिनेश गोस्वामी कमेटी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर, ये क्वेश्चन आ जाता है किस पर है, चुनावी सुधारों पर है। और 1990 में इसको सेटअप किया गया, स्थापित किया गया था, जब प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी।